जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में जैसा कि आप सभी को पता है कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा था और ये पूरा एक महीना एग्ज़ाम चला, तो अपने इतिहास में तो सबसे लंबा ड्यूरेशन वाला परीक्षा इसको देखा गया है ना। और आपको बता दें कि देखिए, बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि सर, इसमें जो आपका कट ऑफ दिया जाएगा वो किस आधार पर आएगा। तो इस बार जो कट ऑफ होगा आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। जी हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें अलग अलग शिफ्टों में जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं आपको विभिन्न दिनों में, तो उसमें क्या हुआ है कि किसी शिफ्ट में पेपर आसान रहा, किसी शिफ्ट में पेपर कठिन भी रहा। तो इस चीज़ को लेकर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा और आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, चूँकि इस बार जो परीक्षा हुई है ये बहुत ही सफलतापूर्वक परीक्षा लिया गया और साफ सुथरा परीक्षा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में भी कोई गड़बड़ी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब रही बात यहाँ पर कि टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 21,391 पद की वैकेंसी है। थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा आपके इसके रिजल्ट को लेकर, है ना। लेकिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों जारी कर दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उन छात्रों के लिए दिया गया। देखिए, चूँकि क्या है कि लगभग 18 लाख छात्र इसका एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन सभी 18 लाख में से उन सभी छात्रों के लिए ये अपडेट किया गया है जो कि एक विशेष कैटेगरी से वो बिलोंग करते थे। अब उनकी कैटेगरी जो है ईवीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अभी आपको बता दें कि जो यहाँ पे अपडेट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या जो है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार बनाम राज्य सरकार और अन्य दिनांक जो है 15 जुलाई को पारित किया। एक नादेश यहाँ पर न्यायाधीश आया जिसमें कि बिहार सरकार ने ताती जाति को लेकर, है ना, अपने गजट में यहाँ पे अमेंडमेंट किया। यहाँ पे आपको बता दें कि ताती यानी कि तत्वा जाति को यहाँ पर अत्यंत पिछड़े वर्ग में जोड़ा गया, जो कि क्रमांक संख्या 33 पर ये पुनर्स्थापित है। अब आपको बता दें कि ये बिहार की सभी बहाली की प्रक्रियाओं में ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बिहार शिक्षक में भी आप लोगों का ये फॉर्म भरवाया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना, और अभी STET जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये शायद चीज़ें करवाई जाएंगी, हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा, तो अभी आप लोग का हाल ही में बिहार SSC का भी आप लोग का फॉर्म भरवाया गया था, वहाँ भी इस चीज़ का अपडेट दिया गया कि अब जो भी इस जाति से बिलोंग करते हैं वो अपना कैटेगरी यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सूचनाएँ हर एक बहाली की प्रक्रिया में की जा रही है, क्योंकि ये अमेंडमेंट किया गया है इस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 21,391 पद पर ताती यानी कि तत्वा जाति से संबंधित जो भी उम्मीदवार जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुसूचित जाति आरक्षण का कोटि का दावा किया था, यानी कि फॉर्म भरते समय उन्होंने अनुसूचित जाति डाला था, यह निर्देश दिया जाता है कि वे परिषद की वेबसाइट पर जो है बिहार पुलिस टैब पर जाएंगे और वहाँ पर लिंक एक दिया जाएगा आपको, और ये स्पेशल विंडो इसका ओपन किया जाएगा और ये लिंक एक्टिवेट होगा 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, जन्मतिथि डाल के और लॉगिन कर लेंगे, और ये काम आप जो है 8 सितंबर तक करेंगे। 2 तारीख से इसका लिंक एक्टिव होगा और आरक्षण कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है EBC अनुसूची 1 यानी कि BC 1 के तहत आपको सुधार कर लेना होगा। साथ ही उक्त संबंध में घोषणा पत्र भी दिया गया है, ये इसके साथ संलग्न किया गया है, आप नीचे आके चेक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि देखिए, इसको अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि इस परीक्षा के बाद आपका PET एग्ज़ाम होगा यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसमें आपको प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय ऐसे सभी अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर यानी कि NCL का जो है प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, चूँकि EBC NCL से संबंधित हैं, तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर आरक्षण का दावा आपका नहीं मान्य होगा। अगर आप मान लीजिए कि ST कैटेगरी में आप अपने फॉर्म अप्लाई किया है ना, अनुसूचित जाति में SC कैटेगरी में आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि EBC का आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा जाति, फिर उसके बाद NCL बनवा लेना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो महिला छात्रा हैं इस कैटेगरी से वो अपने पिता के आधार पर ही NCL बनवाएंगे और EBC भी बनवाएंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, है ना, 8 सितंबर तक सुधार कर लेना, उसके बाद आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो सुधार करने के लिए आपको 8 सितंबर तक करना है, वैसे उम्मीदवार जो कि इसके तहत आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपको एक ये विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे जो है विज्ञापन संख्या 1/2023 के साथ अटैच किया गया है, और इसी फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्म भी यहाँ पे देखिए भरना है। तो मैं अपना नाम डालिएगा, अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा का नाम यहाँ पर बिहार कांस्टेबल, है ना, रिक्रूटमेंट या फिर बिहार कांस्टेबल भर्ती, और
पुत्र हैं पुत्री हैं अपने पिता का नाम डालिएगा, निवास ग्राम कस्बा जो भी शहर से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम डालिएगा, जिला जो भी आपका वो डालिएगा। बिहार के उक्त परीक्षा हेतु समर्पित ऑनलाइन आवेदन में मेरे द्वारा ताँति जाति के रूप में जो कि संकल्प संख्या है 1/7/2015 के आलोक में SC कैटेगरी में यहाँ पर जो है दावा किया गया था। अब यहाँ पे सूचित करता है कि यहाँ पे जो घोषणा पत्र है ये मैं ताती यानी कि तत्वा समुदाय से बिलोंग करता हूँ और सामान्य प्रशासन विभाग के तहत जो आपका विज्ञापन संख्या है इसके अनुसार जो है गजट में जो बदलाव किए गए हैं इनके अनुसार मैं जो है यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि मैं जो शारीरिक दक्षता परीक्षा दूंगा वो आपको EBC के तहत जो NCL सर्टिफिकेट बनवाने यानी प्रमाण पत्र समर्पित करूंगा और प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थित्व पर परिषद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। तो आप EBC पे अगर नहीं बनवा पाते हैं सर्टिफिकेट तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है UR कैटेगरी में रख दिया जाएगा, जैसे बाहर तो नहीं कहिए अभी जो है अभ्यर्थित्व जो है आपका यानी कि जो कैंडिडेचर है वो आपको नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये UR कैटेगरी में फिर आपको समझा जाएगा अगर आप इसका फॉर्म नहीं भरते हैं और उसको नहीं यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो ये एक जानकारी है दोस्तों जो कि अपडेट किया गया है CSBC के द्वारा और इस नोटिफिकेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी छात्र इससे संबंधित हैं इन 18 लाख छात्रों में से उनको ये सूचना मिल सके। गुड लक, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो अपडेट के साथ और जल्द ही आपको जो है सिपाही भर्ती को लेकर जो है कट ऑफ वीडियो भी आपको लेकर आएंगे जहाँ पे आप छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके अनुसार क्या नॉर्मलाइजेशन होकर आपका कट ऑफ बन सकेगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।